हे गाइस वेलकम, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अभी एक रिसेंट में रिलीज हुई मूवी के बारे में, लॉस्ट गर्ल्स एंड लव होटल्स। इसमें मेन रोल में है अलेक्जेंड्रा डेडेरियो। और पहले इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी 18+ है और ये थ्रिलर ड्रामा के कैटेगरी में आती है। बेसिकली लव रोमांस टाइप मूवी है। मूवी अच्छी है, रेटिंग्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एक्टिंग वाइज और स्टोरी वाइज भी अच्छी मूवी है, कुछ ज्यादा नहीं है मूवी में। 1.5 घंटे की छोटी सी मूवी है। मैं मेन प्लॉट 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर क्या है इस मूवी में। सो चलिए छोटा सा इंट्रो देखते हुए शुरू करते हैं। एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो देखो, मूवी में एक यंग लड़की दिखाई जाती है, मार्गरेट। ये टोक्यो जापान जैसी बिजी सिटी में रहने आती है क्योंकि इसकी लाइफ में कोई नहीं होता है। इसकी मॉम कैंसर से मर जाती हैं, डैड छोड़ के चले जाते हैं और भाई पागल हो जाता है। सो इसकी लाइफ में इसका सगा कोई नहीं होता है, तो ये जापान में अपना अकेलापन दूर करने आती है। इसके दो दोस्त होते हैं यहाँ पर, बस इनिस और लायम। और ये प्रोनाउंसिएशन टीचर की जॉब करती है, मतलब जापान की जो एयर होस्टेस ट्रेनी होती हैं उनको इंग्लिश में प्रोनाउंस करना सिखाती है। और बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलता इसको, बस इसका खर्चा चल जाता है। और दिन में ये जॉब करती है और शाम को अपने दोस्तों के साथ बार में ड्रिंक करती है और रात में स्ट्रेंजर्स के साथ लव होटल्स में अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करती है। ऐसे ही इसकी लाइफ चल रही होती है। फिर एक दिन ये एक आदमी से टकराती है, काजू। ये थोड़ा अमीर टाइप का होता है और ये इससे नैन मटक्का करता है। और शुरुआत में तो ये भी उन्हीं सब स्ट्रेंजर्स की लिस्ट में आता है जिनके साथ मार्गरेट डेली रात बिताती थी। बट फिर काजू इससे अट्रैक्ट होने लगता है और इससे डेली मिलने लगता है और ये दोनों एक साथ घूमने लगते हैं, अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं और ये दोनों साथ में खुश होते हैं। और काजू एक्चुअली में यकूजा होता है, जिनको यकूजा का मतलब नहीं पता। सो इसको सरल भाषा में बोल सकते हैं जापान का माफिया गुंडा। इसलिए इसके पास काफ़ी पैसा होता है और लोग इससे डरते हैं। और इन दोनों का अच्छा चल रहा होता है। बट फिर एक रात काजू मार्गरेट को बताता है कि वो ज़्यादा दिन के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसकी किसी और लड़के के साथ शादी फिक्स कर दी है इसकी फैमिली ने। हालांकि ये अपनी होने वाली बीवी से प्यार नहीं करता, बट फिर भी इसको जापान के कल्चर के हिसाब से ऐसा करना पड़ेगा। तो मार्गरेट को ये सुनकर काफ़ी धक्का लगता है और वो टूट सी जाती है और फिर से वही पुरानी जैसी बनने लगती है, स्ट्रेंजर्स के साथ सोना और हमेशा टल्ली रहना। और इसी वजह से ये सही टाइम पे जॉब पे भी नहीं पहुंच पाती है। बट फिर काजू इससे कांटेक्ट करता है और इसको गिफ्ट देता है और इसको एक होटल में मिलने बुलाता है। और फिर ये दोनों साथ में आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और बातें करते हैं। और काजू इसको बताता है कि जैपनीज कल्चर के हिसाब से अगर आप किसी के लिए अपनी उंगली काट देते हैं तो इसका मतलब उसके लिए दिल से सॉरी होता है। और फिर नेक्स्ट डे मार्गरेट को अपने वर्क पे जाने से पहले ये रोक लेता है और अगेन गिफ्ट देता है और इससे इसका एक दिन मांगता है और अपने साथ एक जगह चलने को बोलता है। बट इसको जॉब पे जाना भी जरूरी होता था, लेकिन ये वर्क पे नहीं जाती और बिना बताए इसके साथ चली जाती है। और ये इसको ट्रेन से कोई एक जापानीज मंदिर जैसी कोई जगह ले जाता है जहाँ से बाहर आने के बाद इसको बोलता है तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, सो अब लाइफ में मूव ऑन हो और अपनी न्यू लाइफ शुरू करो। इसको कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम। और फिर ये ट्रेन से वापस आते हैं और वापस आते वक्त मार्गरेट सो जाती है तो काजू उसको वहीं अकेला छोड़ के गायब हो जाता है। और जब ये जगती है तो ये समझ जाती है कि वो अब चला गया है और ये काफ़ी सैड हो जाती है। और ये नेक्स्ट डे अपनी जॉब पे जाती है तो देखती है कि इसकी जगह कोई और हायर कर लिया गया है और इसको इसकी पेमेंट दे के जॉब से निकाल दिया जाता है। और फिर इसकी दोस्त इनेस भी जापान छोड़ के अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने चली जाती है और इसका दूसरा दोस्त भी चला जाता है। सो अब इसके पास कोई नहीं होता, ये एकदम अकेली हो जाती है। जॉब भी गई, प्यार भी गया और दोस्त भी गए। और फिर रास्ते में चलते हुए इसको फिर से काजू दिखता है और ये इसका पीछा करती है और इसकी फैमिली दिखती है और इसके होटल तक पीछा करती है और इसको ढूंढने लगती है और इससे मिलती है और इसको प्रपोज भी करती है। बट वो इससे बोलता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि इसका काम डेंजरस होता है और इसकी शादी भी होने वाली होती है। इसके आंसू तक निकल आते हैं। सो अब मार्गरेट यहाँ से जाती है और एकदम फुल बेवड़ी बन जाती है अभी ये, और लव होटल्स की गलियों में घूमने लगती है। और यहाँ एक आदमी इसका पीछा करता है और मार्गरेट को ऐसा लगता है कि ये काजू है। सो ये खुश हो जाती है, बट वो कोई स्ट्रेंजर होता है। और अगर आप मूवी देखोगे तो इस जगह से मूवी शुरू ही होती है, मतलब जहाँ से मूवी शुरू होती है एंड में घूम के वहीं सीन आ जाता है। और फिर मार्गरेट उसी स्ट्रेंजर से इसको लव होटल जाने के लिए बोलती है और वो रूम में जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और ये नशे में होती है और ये आदमी इसके हाथ पैर बांध देता है। और इस आदमी को इसकी बॉडी से कोई मतलब नहीं होता, ये साइको किलर होता है। और मार्गरेट समझ जाती है कि वो एक डेंजरस सिचुएशन में आ गई है, बट ये डरती ही नहीं है। इससे बोलती है कि मुझे मार दो, मुझे जीने का मन नहीं है। बट तभी बैकग्राउंड में हाथापाई की आवाज़ आने लगती है और काजू यहाँ आ जाता है और इसको बचा लेता है। और मार्गरेट को इस बात की खुशी होती है कि काजू को इसकी केयर है और उसने इसको यहाँ तक फॉलो किया। और इस पॉइंट से मार्गरेट अपनी लाइफ में मूव ऑन होती है और काजू ने अपनी फिंगर काटी होती है। और अगर आपको याद होगा
इसने इसका मतलब मार्गरेट को समझाया था और मार्गरेट और इसके बीच जो हुआ इसके लिए सॉरी बोलने का एक तरीका था, इसलिए इसने अपनी फिंगर काटी है। और मार्गरेट इससे बोलती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है वो मंदिर वाली पुनर्जन्म वाली बात जो तुमने मुझसे बोली थी। और मार्गरेट भी अब जापान छोड़ के अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाती है और काजू को भूलने के लिए भी, क्योंकि उसकी भी अब दूसरी फैमिली है। सो ये फ्लाइट में होती है और उस फ्लाइट की एयर होस्टेस इसकी स्टूडेंट होती है, तो इसको अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि इसकी वजह से किसी की लाइफ सेट हो गई। और यहाँ से मैजिकल हैप्पी एंडिंग तो नहीं होती, बट हाँ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस ये थी काजू और मार्गरेट की अधूरी लव स्टोरी। मेन सिक्स शायद यही थी कि लाइफ में मूव ऑन होना सीखो। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, सो लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना कि कैसी लगी स्टोरी। और प्लीज़ सपोर्ट के लिए लाल बटन दबा देना। सो सी यू सून, बाय बाय।